डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रशिक्षण की अहमियत बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इससे युवाओं के जिंदगी में क्या फर्क आया। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को रोजगार लेने की जगह देने वाला भी बना रहा है। इस बात की मिसाल है मुंबई के कुर्ला इलाके के रहने वाले गणेश सुरेश बोवले का, जो छोटी सी उम्र में एंटरप्रेन्योर बनकर दूसरों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मेरा तो एक कंपनी को और आगे बढ़ाना है, ऐसा बहुत लोग को जॉब भी ऑफर करना है, क्योंकि मेरे ही कंपनी में या से पहले मैं भी किधर काम करता था, तो आज मेरे कंपनी में इतना, मैं खुद का कंपनी चला रहा हूँ, इतना स्टाफ है मेरे पास, 4 जन का स्टाफ है, और मेरे को आगे बढ़ना है और जन का स्टाफ बनेंगे, उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले, उनको भी पैसा मिले, कमाने का चांस मिले, आगे बढ़ने का नॉलेज, यही मेरी थॉट है कि सबको सीखने मिले। गणेश बड़े बड़े शो में लगने वाली लाइट्स को किराए पर देने का काम करते हैं, साथ ही इनका अपना लाइट्स का सर्विस सेंटर भी है, जहां पर ये रिपेयरिंग का काम करके अच्छी आमदनी कर लेते हैं। आज इनकी सालाना आमदनी 10 लाख से अधिक है। इसकी तरह मेरा 2-3 कंपनी और हो, और आगे फ्यूचर प्लान मेरा बहुत कुछ है, और स्टेप बाय स्टेप मैं करते जा रहा हूँ, खुद का व्हीकल लेना है, खुद का बहुत कुछ लेना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा हूँ। 12वीं के बाद गणेश ने ITI करने के बारे में सोचा। इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स चुना और 2 साल के कौशल प्रशिक्षण के दौरान इन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी दी गई। बचपन से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के रिलेटेड अच्छा लगता था, कि खोलना, बंद करना, रिपेयर करना, ये सब चीज़ बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं 12th के बाद, कॉलेज के बाद ITI करना सोचा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर ITI की स्किल ट्रेनिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। इसका असर गणेश जैसे हजारों छात्रों के जीवन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं ITI में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कोर्स किया था, 2 साल का कोर्स था, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सीखने मिली, कल्चर एक्टिविटीज थे, स्पोर्ट थे, बहुत कुछ था। कॉलेज के दौरान हम लोग को फील्ड पे भेजा जाता था। ITI से ट्रेनिंग के साथ ही गणेश को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के तहत ऑन फ्लोर काम सीखने का मौका भी मिला। ऑन फ्लोर कंपनी में काम सीखने से गणेश की स्किल में और निखार आया, वर्किंग कल्चर में सुधार हुआ, सॉफ्ट स्किल और कस्टमर हैंडल करने का भी हुनर मिला। गोदरेज कंपनी में मैंने फील्ड में काम वर्क किया था, उसमें ITI का माहौल बहुत, और सीखने में बहुत कुछ मिला, लाइक कंपोनेंट्स क्या है, रिपेयरिंग कैसे होता है, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें बहुत सीखने, डीपली सीखने में मिले। ITI पास करने के बाद इन्होंने 2 साल अलग अलग कंपनियों में नौकरी करके अपने हुनर में और शार्पनेस पैदा की, लेकिन स्किल इंडिया मिशन के तहत मिले स्वरोजगार के विजन ने इन्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित किया और एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप खोली, जहां पर इन्हें ज्यादातर शोज, पार्टी और फंक्शंस में लगने वाली लाइट्स का काम ज्यादा मिलता था। मार्केट की समझ और बिजनेस स्किल को बढ़ाते हुए रेंटल लाइट्स बिजनेस की शुरुआत की। मैंने छोटा छोटा रिपेयरिंग चालू किया, घर में ही करता था, फिर सोचा कि छोटा एक दुकान डाले, तो छोटा मैंने दुकान डाला, उसमें फिर साउंड, लाइट और बहुत सारा चीज़ें, होम थिएटर अलावा सब कुछ चीज़ें रिपेयरिंग करने के लिए लिया। फिर वो सोचा कि ये छोटे स्केल में अपन तो कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो फैमिली कंडीशन भी नहीं था मेरा अच्छा, तो भी मैंने अपने दम पे पूरा बड़ा किया। फिर बाद में थोड़ा लाइट्स लिया, लाइट 2 लाइट था मेरे पास, 2 लाइट से मेरा 3 लाइट हो गया, 4 लाइट हो गया, फिर अभी बहुत यूज सामान मेरे पास है, लाइट 24, मतलब बड़ा बड़ा इवेंट करते हैं हम लोग। ITI से मिली इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल ने बिजनेस को बढ़ाने में इनकी बहुत मदद की। ऑन साइट लाइट्स में होने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स को गणेश फौरन ठीक कर देते हैं, जिससे इनके क्लाइंट्स को भी अच्छा लगता है और नए बिजनेस मिलने की भी आसानी होती है। स्किल होना बिकॉज जरूरी है, कि कहाँ पे आप जॉब मांगने जाते हैं, कहाँ पे तो पूछते हैं उधर भी कि बाबा क्या तुमने किया है, क्या नहीं है, वो टैग रहता है, वो चाहिए, ITI का टैग है मेरे पास, वैसा आपके पास भी रहना चाहिए कि ITI का टैग है। ऐसा नहीं कि जॉब ही कर सकते, खुद का भी कुछ कर सकते, जैसे कि आज मैंने इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया है मेरे स्किल की वजह से, मैंने भी जॉब किया था, मेरे को लगा खुद का कुछ करे, तो मैं आज ये सेटअप किया है, खुद का रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है, खुद का लाइट का बिजनेस है, बहुत कुछ मेरे पास है अभी।
आईटीआई से मिले कौशल प्रशिक्षण के कारण आज ये बहुत खुश हैं। आज इनके पास बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, जिनकी डिमांड मुंबई में होने वाले बड़े बड़े कार्यक्रमों में बनी रहती है। आज ये खुद तो अच्छी कमाई कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार का अवसर दे रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DDAapkibaatpar। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DDAapkibaatpar और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।